अस्सलामुअलैकुम गाइस, ना वेरी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और यार सिटी के गलियों में घूम रहे हैं, आज बड़ी मजेदार सी सनी डे में आ गए हैं हम लोग। आज का जो है वो दिन हम लोग का बड़ा ही स्पेशल है। हम लोगों ने सोचा था कि आज हम लोग आएंगे हार्बर ब्रिज की वॉक पे, हार्बर ब्रिज की वॉक दो तरह की होती है, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों को एक तो पैसे देने होते हैं और एक वॉक होती है जो कि फ्री में होती है। तो हम फ्री वाली करने आए हैं आज, पैसे वैसे खर्च नहीं करने वाले बेटा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, अपने खर्चे पे एंजॉय कर रहे हो। गाइस अभी फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हम हार्बर ब्रिज की वॉक के ऊपर, जो कि हम लोगों को यहाँ से पार्किंग हमने की है। अभी उसके बाद हम सीढ़ियाँ लेंगे, फिर उसके बाद हम लिफ्ट पकड़ेंगे और लिफ्ट से फिर हम जाएंगे हार्बर ब्रिज के ऊपर और फिर वहाँ से करेंगे लंबी वाली वॉक। और एंड में हम आपको उस एरिया की तरफ लेके जाएंगे, मतलब अंदर नहीं मगर एंड में वो एरिया आएगा जहाँ पे सिडनी के मल्टी मिलियनेयर रहते हैं भाई, तो वो भी हम थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दिखाएंगे उसका। लेट्स गो। अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पे जाने के लिए, अगर तुम लोग गाड़ी से आ रहे हो तो बहुत इजी पीजी है, गूगल के ऊपर जाओ और सर्च करो हार्बर ब्रिज स्टेयर्स, तो जो भी जहाँ पे भी आपको नियरेस्ट होगा वो आपको दिखा देगा और आप उसी हिसाब से जो है वो पहुंच जाओ। मैंने जब हार्बर ब्रिज स्टेयर्स गूगल पे डाला तो वो मुझे यहाँ पे लेकर आ गया। मैंने सामने यहाँ पे गाड़ी पार्क की, $9-10 लगे यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मतलब किस टाइम पे आ रहे हो। मैक्सिमम 2 hours की भी होती है, 4 hours की होती है, तो यहाँ पे आके आराम से पार्क करो। और अगर तुम लोग ट्रेन में आ रहे हो तो मिल्सन पॉइंट इज द स्टेशन, वहां पे जाओ मिल्सन पॉइंट पे, वहां से उतरो और ट्रेन पकड़ के कहीं से भी आ रहे हो मिल्सन पॉइंट पे पहुंच जाओ, वहां से उतरो, वॉक करो और चले जाओ। वैसे इजी पीजी रास्ता है, सर्कुलर की से भी आ सकते हो द रॉक्स के थ्रू। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हो ये द रॉक्स है, यहाँ से हम लोग न्यू ईयर के लिए भी गए थे, ये वही वाला इलाका है सारा पीछे सारा। तो अगर आप लोग सर्कुलर स्टेशन से आ रहे हो घूमते फिरते हुए, बच्चे ज्यादा साथ नहीं है, इंजॉय करना चाहते हो वॉक को, तो वहां से भी आ सकते हो। देखो यार एक और टेलस्ट्रा नजर आ रही है मुझे, टेलस्ट्रा हर जगह टेलस्ट्रा नजर आ रही है भाई ऑस्ट्रेलिया में। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझसे बंदा हो गया। बहुत ही बड़ी माशाल्लाह से मैं कहता हूँ ना, अल्लाह का इतना भी शुक्र अदा करे कि मुझे ऐसी बीवी मिली है। अल्लाह माफ करे, यहाँ पे अल्लाह माफ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह देती है। मैं भी सोचा था कि जहाँ पे टेलस्ट्रा क्या है टेलस्ट्रा भाई, टेलस्ट्रा वालों ने अपनी कौन सी गाड़ी यहाँ पे टेस्ला को बोल नहीं दी है। बहुत ही बड़ी माशाल्लाह। यार सोचो अगर तुम लोगों को भी ऐसी कोई बीवी मिल जाए। नहीं अकलमंद समझदार होशियार तो भाई तुम लोग अल्लाह ही हाफिज़। अकलमंद समझदार नहीं होनी कोई मसला नहीं है, मगर ऐसी होनी चाहिए जो मियां को हंसाए, जो मियां को टेस्टर, ना मतलब टेस्टर, टेस्टर, उसकी छक्की छुड़ा दे कि क्या बोल रही है बंदी। जो है वो टेस्ला को बोले टेस्टर। और हम इतना जोर से बोल रहे हैं कि आसपास के गोरे भी बेचारे सोच रहे होंगे होगा ऑस्ट्रेलिया की गोबरी खबरी होगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्लॉगिंग का रिवाज भाई कम है और सिडनी में तो बिल्कुल ही नहीं है। इस दफा सर मैंने ये देखा है, इस दफा के लोग ना मतलब वीडियो बना रहे हैं तो बुरा नहीं मान रहे और लोग ना मतलब चेहरा नहीं छुपा रहे, पहले हम बोलते थे चेहरा छुपा रहे। खैर अभी चलते हैं फटाफट बैच को। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मेन स्ट्रीट के ऊपर, यहाँ की यहाँ पे ब्रिज है, उसके लिए स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी है, हमने लिफ्ट बुला ली है। ये देखो यहाँ पे स्ट्रीट लिखा है, ब्रिज लिखा है, बट हमें स्ट्रीट से तो हम आए ब्रिज पे जाना। ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज की बड़ी अच्छी मुझे बात लगती है, खूबसूरती लगती है, मतलब ये ट्रैम्स वालों के लिए और जो व्हील चेयर वाले होते हैं या डिसेबल लोग होते हैं बेचारे, जो लोग मतलब सीढ़ियों पर चढ़ के नहीं जा सकते, तो काफी फ्रेंडली होता है बहुत हद तक। ये देखो गाइस हमारे साथ अली भी हमसे वॉक करने आया है, खुद तो वॉक करने या हम ही वॉक करवाने इसको। और ये देखो सामने आप लोग हार्बर ब्रिज, बस यहाँ से हम लोग हार्बर ब्रिज के ऊपर से वॉक करते हुए जाएंगे, ऊपर से ही नजारा देखेंगे कि ओपेरा हाउस वगैरह सारा यहाँ पे जितना भी का क्या कहते हैं उसको पोर्ट, तो सारा पोर्ट यहाँ पे इनका नजर आएगा। अच्छा इन घरों के बारे में बोल रहे हैं, क्या घर बने हुए हैं? आई थिंक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप के हैं, बट हम जैसे लोगों के लिए सही नहीं होते भाई, बड़ी बड़ी माशाल्लाह फैमिलियां होती है हमारी, तो हम जैसे लोगों के लिए तो बड़े घर होने ही चाहिए। सर दोस्तों हम लोग ये जो वॉक कर रहे हैं इसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये एक्चुअल काहिल एक्सप्रेस वे है जिसके यहाँ पर ब्रिज के ऊपर से होती हुई जाती है और साइड वॉक से यहाँ पे तो बड़ी सेफ है। इवन अगर आप बच्चों के साथ भी आए तो भी यहाँ राइट लेफ्ट पे आप देख सकते हैं सारी फेंसिंग लगी हुई है और राइट पे बिल्कुल कवर्ड है, तो हमें लाइक बच्चों के साथ आने में भी कोई टेंशन नहीं भाई, टूरिस्ट सारे के सारे यहाँ पे सिर्फ हमारी जगह वॉक करने आए हैं।
देखिए अब यहाँ से आपको सही से नजर आएगा पूरा क्रूज सामने आपको नजर आ रहा है, कितना हसीन लग रहा है टावर और सारा ब्लू पानी, नेट से सब नजर आएगा। एक और भी यहाँ पे होती है हार्बर वॉक, वो हार्बर के ऊपर लेकर जाते हैं, हार्बर ब्रिज के ऊपर लेकर जाते हैं, क्लाइंब कहलाता है वो, उसमें आपको ठीक ठाक डॉलर जो है वो छापते हैं। मगर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो मोबाइल वगैरह जो है ना वो कहीं पे अलाउ नहीं होता, वो गोप्रो अलाउ नहीं होता, अपने ही कैमरों से जो है ना वो वीडियो बनवाते हैं जिसके वो 100-200 डॉलर पता नहीं कितने वो चार्ज करते हैं। सो जरूरत नहीं थी हमें, मतलब यही काम थोड़ा बहुत मीटर ऊपर होगा क्या फर्क पड़ता है, यही काम हमने फ्री में कर लिया है, पता है जोलर की पार्किंग देखिए। जो हार्बर बीच की वो वॉक होती है ना जिसके पैसे देते हैं वो जाते हैं वहाँ फ्लैग के ऊपर, वो टॉपिंग का व्यू होता है तो फ्लैग की तरफ जाके फिर वापस नीचे आते हैं। तो इट्स लाइक क्लाइंब होती है, स्टीप है अच्छा खासी, हम लोग भी स्टीप ले सकते हैं वो मसला नहीं है, बट हमने कहा ये चीज तो फ्री है, जो चीज फ्री है वो करने में ज्यादा बेहतर है। ये देखो भाई यहाँ पे, हाँ भाई क्या देख रही हो, सारा शहर है हमारे, हम ऊपर हैं और अलग ही फीलिंग है ब्रिज के ऊपर आए हुए, तो काफी मतलब आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ा कि कब हम लोगों ने लास्ट टाइम ब्रिज के ऊपर कोई वॉक फीलिंग होगी। देखो सामने ओपेरा हाउस, यहाँ पे हार्बर है, वहाँ पे जो है वो ओपेरा हाउस है सामने, और ये है भाई सिटी के नजारे, बड़े खूबसूरत नजारे हैं। ये सीबीडी कहलाता है, मतलब सीबीडी का मतलब पता है आपको क्या होता है, याद है या भूल गई? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। यस बेटा ऐसे ही हमने यहाँ पे मास्टर्स ही कर लिया, झंडे निकाल दिए यहाँ पे ऐसी, और अगर टोरंटो होता तो क्या होता है वहाँ पे, ये ऐसा सिटी की क्या, डाउन डाउन टोरंटो, टोरंटो जाएंगे भाई। वैसे हम लोग कैलगरी के अंदर रहते, टोरंटो में रहा करते थे, मगर यार टोरंटो मतलब दिल में बस गया यार, क्या करे कैसे निकाले उसको, जैसे कराची बसा हुआ है, सिडनी बसा हुआ है, वैसे ही भाई लोग पूछते हैं आपको कौन से शहर पसंद है, तो भाई हमें जो है वो पहले तो कराची पसंद है जहाँ हम पैदा हुए, उसके बाद आ गए भैया हम जो है वो सिडनी, और भाई सिडनी से मोहब्बत हो गई, और उसके बाद चले गए भाई टोरंटो। अभी तक यार कैलगरी वाले थोड़े परेशान होते कि आप कैलगरी में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या गेम बनेगा क्या नहीं बनेगा, भाई ये सारी चीजें तुम्हें आगे भाई हम लोग दिखाएंगे ना, थोड़ा सब्र करो। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, जब सब्सक्राइब कर लोगे बेल आइकॉन को दबा दोगे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा भाई कि अशर सेना व्लॉग वाले अब नया गेम क्या करने वाले हैं। मुझे एक्सपेक्टेड था कि गर्मी होगी काफी, देखिए अच्छी ठंडी हवा है काफी, एक्टिव यहाँ पे लाइफ स्टाइल होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो सारे ही समर टाइम में जो निकल जाते हैं वॉक करने। हमने भी सोचा कि एक दफा ऐसे ही कुछ करें, चाहे कब तक अपने ओबर्न में बैठे रहेंगे, कब तक अपने कालिंग फोर्ड में बैठे रहेंगे, थोड़ा बाहर निकल के सिटी में भी कुछ और देखें। और अभी हम लोगों ने जो पार्किंग की है वो एक घंटे की पार्किंग की है तकरीबन, अशर ने $9 पे किए उसके, बट अच्छा इजी पार्किंग मिल गई, सीढ़ियां ली और ऊपर आ गए, ऊपर की तरफ भी मतलब सीढ़ी लेने की जरूरत नहीं थी, पार्किंग मिल सकती, बट अच्छा इंतजार को फिर लिफ्ट लेकर आ गए। खवातीनों हजरात कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोग सोच रहे हो कि यार मतलब ये लोग इतना टाइम रहे सिडनी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में इसी शहर में सिर्फ 25-30 किलोमीटर, हम लोग हजार दफा यहाँ से हार्बर ब्रिज से ऊपर गुजरे होंगे, मतलब गाड़ी में इधर उधर गए होंगे, बट कभी वॉक करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कभी ऐसा होता है आपके पास कि जो है वो मतलब सारी चीजें होती है, जराए भी होते हैं आपकी, सब कुछ होता है, बट आपका दिमाग जो है ना कहीं और किसी और चक्करों में लगा हुआ होता है, बिजी होता है छोटी मोटी चीजों में ऑब्वियसली। तो हम लोग भी जो है वो पीआर की भागदौड़ के अंदर लगे हुए थे, पहले स्टूडेंट वीजों में लगे हुए थे, उसके बाद फिर उसकी पॉइंट्स बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, और उसके बाद फिर पीआर की ऑस्ट्रेलिया की पीआर की भागदौड़ में लगे हुए थे, जैसे आजकल आप लोग लगे हुए होते हैं अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अगर नहीं है तो भाई तुम लोगों ने अब तक नए हो और तुम लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुम्हें पता नहीं है अशर सेना व्लॉग वाले कौन है, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं, हम लोग रहते कनाडा के अंदर है, क्योंकि वहां पे हम लोग जो है वो परमानेंट रेजिडेंट वीजे के ऊपर रह रहे हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे, 10 साल यहाँ पे हमने गुजारे सिडनी में भैया, और उसके बाद फिर हम चले गए कैनेडा। मिले ना प्राइवेट नौकरी, सपने च मारदा कनेडा गेड़ियां। तो अब हमारा कैनेडा जो है वो करंटली मुल्क है, होम कंट्री हमारा इस वक्त पाकिस्तान है, और उसके बाद फिर कैनेडा है भाई। इस वक्त हम यहाँ विजिट करने के लिए आए हैं और वो सारी चीजें विजिट कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं की, मतलब मौका नहीं मिला या दिमाग जो है वो उलझा हुआ था बहुत सारी चीजों में। तो यहाँ पे जो है वो ट्रेन भी आती है, यहाँ पे मिल्सन पॉइंट का जो स्टेशन है वो करीब पड़ता है, अगर तुम लोग के पास गाड़ी ना हो तो तुम लोग यहाँ पे भी आ सकते हो इस तरह। तो ये गेम है सना साहिबा, बड़ी पुरानी यादों में आई थिंक खो जाती है कभी कभी आके, और कुछ बहुत ही लंबा सोचने लगती है जो आई थिंक नहीं सोचना चाहिए इनको। मैं अभी रास्ते में थी और कॉलेज डेज मुझे याद आ रहे थे, सिटी की बिल्डिंग्स को देख के वो गलियां, जब मैं वहाँ पे जाती हूँ ना मैं कहीं खो जाती हूँ, क्योंकि मेरे तकरीबन 3 साल बैचलर डिग्री जो है वो मेरी चली, नहीं तकरीबन 4 साल बैचलर डिग्री चली और इसके बाद 2 साल की मास्टर्स, तो 6-7 साल मेरे सिटी आना जाना रहा, फिर प्रोफेशनल ईयर करती थी, आईज वगैरह की आती थी,
ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए। तो ओवरऑल 7 से 8 साल सिटी की गलियों में जो है गुजारे हर रोज मंडे टू फ्राइडे। तो ये आई फील रियली नॉस्टैल्जिक यार, बड़ा मजा आता है आके। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रोना आ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है यार कि वो जो यादें ना वो एकदम फ्रेश हो जाती है। दिल चाहता है कि जाके दोस्तों से मिलूं, लोगों से मिलूं और उन गलियों में टहलें। फिलहाल तो हम हार्बर ब्रिज की वॉक पर टहलते हैं, आ जाओ। चलो हाँ, ये बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ से, बिल्कुल डिफरेंट व्यू है, बिल्कुल ओपेरा हाउस के सामने। हाँ, बहुत डिफरेंट व्यू है ये व्यू, हमने वाकई में कभी भी 10, 11, 12 साल जितने भी हो गए हमने कभी भी नहीं देखा। अगर किसी ने नहीं देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, यार देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं देखा होगा लिटरली, और अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तुम कहीं पे भी किसी शहर में, तो एक दफा आके ये मस्ट विजिट बनता ही बनता है इस जगह का। क्यों भाई, क्या कहती है? स्पेशली जब फ्री है, कोई पैसे नहीं लगे तो क्या बुराई है इसमें, सिर्फ पार्किंग करो या फिर अगर ट्रेन में आना ट्रेन में आओ। अंदर से गाइस यहाँ पे इतना अच्छा नजारा हो रहा है, यहाँ पे आप देखो क्या चीज है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रिजनर यहाँ पे अंदर जाने वाले, कोई जेल खाना लग रहा है मुझे तो ये। एनीवेज पे लिखा हुआ है, तो अदा कर रही हूँ, बट दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, रौना किस्म का। देखो ये तो खुला हुआ भी है, ये म्यूजियम है आई थिंक इस तरह का। भाई ये देखो सिडनी हार्बर ब्रिज की 75th एनिवर्सरी जो है ना वो हुई है 2007 में। गाइस ये देखो आप, सफाई का लेवल चेक करो यार, कितनी साफ रोड है यार, ये ऐसे लगे जैसे मैं दुबई की रोड्स भी कुछ कुछ ऐसी साफ सुथरी होती हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत ही खूबसूरत जगह पे आई हूँ। मैं खूबसूरत तो है ही नो डाउट। अच्छा कुछ यादों में गुम हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये आप लोगों को जो घास वाला पैच नजर आ रहा है सारा, यहाँ पे ना हम लोग अपनी पहली दफा मेरी सास को लेकर आए थे जब वो ऑस्ट्रेलिया आई थी 2013 में, सास ससुर को लेकर आए थे। माशाल्लाह सुन हो जाए इंसान, वाकई ऐसी ऐसी यादें आ जाती है। 2012-13 में चले जाते, पता नहीं शायद कोई रिलेट कर पाता होगा या नहीं कर पाता होगा, या बेवकूफ समझते होंगे या कुछ समझते होंगे। शायद तुम लोग की भी कोई ऐसी स्टोरी रही होगी दुबई को लेके, अमेरिका को लेके, यूके लंदन वगैरह को लेके। काफी लोग कनाडा में जो है वो पाकिस्तान से तो आते ही हैं, इंडिया वगैरह से, मगर ये कि और दूसरे मुल्कों से भी आते हैं जैसे हम लोग आए। तो बताना कमेंट्स के अंदर, या फिर कुछ ऐसा होगा सेटअप अगर कनाडा में रहते होगे तो कभी मौका लगा तो तुम लोगों के साथ वो स्टोरी शेयर करेंगे जो तुम लोगों की पुरानी यादें थी या वो थी। ये है कि वाकई में कभी कभी मैं भी दिमाग पता नहीं सुन हो जाता है, समझ में नहीं आता कि यार अभी करना क्या था, बोलना क्या था। क्या फिर जगह से इमोशनली अटैच्ड है? हाँ। क्योंकि वो यादें इतनी सारी हैं, हमारे लोग हैं, क्या स्पीच है। हाँ भाई वाह, क्या स्ट्रक्चर बनाया है भाई इन लोगों ने, कोई बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है ये, अमेजिंग। बहुत ज्यादा ही नहीं हिल रही है, पता नहीं चल रहा होगा कैमरे पे, मगर बहुत ज्यादा हिल रही है। तो दोस्तों अब हम लोग सिटी से निकले थे, यहाँ पे आए, तकरीबन 10-15 मिनट की वॉक हुई। वैसे तो बीच बीच में हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था, बट 10 मिनट की वॉक है। और इस सामने मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, ये है नॉर्थ सिटी, सामने भाई वो देखो अपार्टमेंट सारे कितने जबरदस्त, अमीरों के अपार्टमेंट है वो यार, वहाँ पे पैसे वाले जबरदस्त, याशी वाले लोग कहते हैं मिलियन डॉलर
$50 million पार्टी है भाई। जैसे कि सना ने बताया कि इस इलाके में जो पीछे दिख रहे हो वहाँ पे मल्टी मिलियनर लोग रहते हैं, वैसे तो सिडनी में या टोरंटो में हर जगह ही अगर आपका घर अपना है तो आप मिलियनर तो वैसे ही होगा, मतलब 1 मिलियन तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे जो है ना वो लेंस, यहाँ पे आपको पता है लेंस चेंज भी हो जाती है, रात में कुछ और होती है और दिन में कुछ और हो जाती है, मतलब ये एरो बना हुआ है नंबर 8 के ऊपर है, 8 है यहाँ पे, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये सही है, ये सारी चीजें बनी हुई है। अब ये क्या होगा शाम में ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक कंडीशन, जहाँ पे मतलब ज्यादा फ्लो हो रहा होगा उसका, तो ये क्या करेंगे एरो ग्रीन जो है वो जाने वाले है ना अभी, तो ये आने वाले मतलब ऐसा नहीं होगा कि रोड चेंज हो जाएगी मगर लेंस कम हो जाएंगी, जैसे आने का रश अभी ज्यादा है तो उसकी लेंस ज्यादा हो जाएंगी और जाने वाले की जो लेंस है वो कम हो जाएंगी। देखो अभी भी ऑलरेडी आने वाले की लेंस ज्यादा हो गई है, शाम का टाइम है अभी, आप कभी सुबह आके देखना तो ये जो जाने वाले की जो लेंस होंगी ना वो ज्यादा होंगी और आने वाले की कम होंगी, ग्रीन वहाँ पे हो जाएगा ज्यादा और यहाँ पे रेड हो जाएगा। लड़कियों के दिमाग में वैसे भी ट्रैफिक की चीजें आती नहीं है, बहुत ही भंडे मारती हैं ट्रैफिक के अंदर, गाड़ियाँ भी गलत पार्क कर देती हैं, बट मैंने सोचा आपको एक जो है वो छोटा सा ज्ञान बाजी दे, ये देखो भाई एक शिप, ये देखो भाई खवातीनो हजरात, आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ ना आपको देख के मजा आ जाएगा, जो कैनेडियंस होंगे ना वो मतलब पागल हो जाएंगे हैं भाई। 1 2 3 ये देखो भाई, देखो ये देखो, हाँ ये देखो, ये है सामने, देखो भाई कनाडा नजर आ रहा है, बहुत तेज हो रहा है बहुत। ये है क्या मतलब कनाडा की क्या है वैसी ही है। तो खवातीनो हजरात ये हम आ गए हैं कनाडा भाई, मतलब ऑलमोस्ट कनाडा के अंदर, ये देखो कनाडा का झंडा भी बना हुआ है भाई, भाई कनाडा का झंडा, कनाडा जिंदाबाद, ऑस्ट्रेलिया में कनाडा। देखो गूगल सर्च करने का हमेशा से शौक रहा है, देखो गूगल सर्च कर रही है कनाडा कहाँ से, हाँ यही है एम्बेसी है, कैनेडियन एम्बेसी है, कॉन्सुलेट जनरल है भाई सामने, यहाँ पे क्या बात है भाई, कनाडा वाले छा गए तुम लोग यार लोंडो, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, हैरान परेशान कर दिया भाई मेरे को, परेशानी खुश कर दिया, मतलब मजा आ गया यार, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कमेंट लाइक जरूर कर देना और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे व्लॉग्स आने वाले हैं।